मित्रों भी आपको बताया गया कि कैसे यहाँ आके आप अपने आप को व्यक्तित्ववान बना सकते हैं, आपके अंदर वो शक्ति कैसे जागृत हो, इसके बारे में बताया गया। कल आपने देखा कि पूरे बिहार प्रदेश में मानव श्रृंखला नशामुक्त बिहार के लिए एक परिवर्तन दिख रहा है। परिवर्तन किसी को कह के नहीं आता है कि हम आ रहे हैं, किसी को बताता नहीं कि साहब हम आ रहे हैं, परिवर्तन हो जाता है। बाद वाले लोग उस परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं, कहानी सुनाते हैं। कल की जो घटना है, आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, अच्छा कुछ पीने वाला चीज होता था क्या यहाँ? हाँ हाँ होता था, थोड़ा थोड़ा लोग ले लेते थे। आप कहानी सुनाओगे, साहब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, हम लोग भी उस जमाने में रैली निकाले थे आस, और मानव श्रृंखला में हम लोग भी भाग लिए थे, जो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये कहानी बन गया। किसी को कह के नहीं बनता। अब कोई आज कहेंगे कि हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं साहब, टाइम खत्म नहीं बचा सब। अब आप सुनिए, जो हम लोग जो शामिल हुए हैं, हम लोग की बात सुनिए, आनंद लीजिए। आप शामिल होने से वंचित हो गए, भगवान यही काम करता है, मौका सबको देता है। जो जगे रहते हैं उसका लाभ उठा लेते हैं, जो बेचारे सोए रहते हैं सोए के सोए रह जाते हैं। आजादी की लड़ाई में सबके बाबा रहे होंगे, परबाबा रहे होंगे, हम आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबके बाबा परबाबा रहे होंगे, लेकिन लोगों ने भाग नहीं लिया, फालतू का काम है। समय बर्बाद करेंगे, बाल बच्चा के लिए कुछ धन कमा लेंगे, तो ऐसे बाबाओं का नाम शायद आप भी भुला गए होंगे। कभी कभी पंडित जी जब पूजा पाठ कराएंगे, बाबा का नाम लीजिए, तब कहे बाबा हाँ बाबा हाँ, तो याद आएंगे। क्यों साहब? पंडित जी जब याद कराएंगे कभी पूजा पाठ में, जो कुरम कर्मकांड होता है, तो बाबा का नाम आप याद कर लीजिए। तो आपके बाबा आप इसलिए नहीं याद किए गए कि आपके बाबा ने कुछ किया नहीं, आप भी कल किसी न किसी के बाबा बनेंगे, ऐसा नहीं सोचते क्या? नहीं, अभी तो लगता है कि हम जैसे हैं छोकरा, हमेशा छोकरा ही रहेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रकृति का नियम है, आपको भी बाबा बनना पड़ेगा, आपका पोता भी आपसे पूछेगा का कह लो, तो आप कहोगे, आप कहोगे तेरे बाप को हमने पैदा किया, और का कह लो तुमको खिला रहे हैं, कुछ किए नाम हुआ, अब क्या, अब तो जाएंगे बेटा। ऐसे लोग प्रचुर मात्रा में इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीव जंतु के रूप में। हमें आपको आगाह करना है कि आप ऐसे जीव जंतु न बने, आप एक ऐसे चीज बने। इस धरती की एक विशेषता है, जीव जंतु भी अगर कुछ करता है तो उसका भी नाम हो जाता है। आप तो कहते हो हम मनुष्य हैं, मानव हैं। इस धरती पर रामायण काल में, रामायण का समय जब आया, जटायु एक पक्षी था, पक्षी उसके अंदर भी हिलोरा मारा कि नहीं मुझे कुछ कर लेना चाहिए, और पक्षी ने कर दिया वो खेल। सफल हुए कि असफल हुए ये तो गिनती आप लोग कीजिए, लेकिन उस पक्षी का नाम आज भी रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ में जब जब बड़े बड़े संत महंत लोग उदाहरण देते हैं, जटायु पक्षी का नाम लेते हैं। क्यों? उस पक्षी ने उस समय को पहचाना था, ये सामान्य समय नहीं है, हमें लड़ जाना चाहिए, और वो लड़ गया। किससे? रावण से लड़ गया। रावण मतलब जिसका बुद्धि गड़बड़ हो, रावण मतलब नौ गो सिंह वाला रावण नहीं, रावण
एक खूबसूरत छोकरा था इस धरती का, उस माने वो इतना स्मार्ट लौंडा था रावण कि उसकी विशेषता थी देखने में इस धरती का बहुत ही सुंदर छवीला नौजवान। उसके कुकर्म के कारण उसका चेहरा विकृत करके दिखाया जाता था। रावण इतना विद्वान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, उस जमाने का जो सब्जेक्ट था उसका, उसके पास संसार का सारा ज्ञान था, उसके पास ताकत था, पैसा था रावण के पास। उस जमाने में वो हेलीकॉप्टर से घूमता था, उस जमाने में वो हेलीकॉप्टर रखे हुए था। सुंदरियां मरती थी कि काश मेरा शादी इसी से होता, सुंदरियां मरती थी। लेकिन रावण उतने शक्तिशाली रावण से टकराने की हिम्मत किसने किया? जटायु पक्षी। पक्षी का क्या औकात है भाई, आप लोग या हम लोग क्या कर सकते? अरे पक्षी ने कर दिया इस देश में खेला और पंख कटा के कहा, देखिए साहब अमर हो गए, जटायु अमर हो गए। आपको तो सिर्फ कहा जा रहा है कि आओ आगे भाई, साथ दो, अपने को बदलो, आने वाला समय बदलने वाला है। आपको न्योता दिया जा रहा है। इसी भारतवर्ष में महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। क्या साहब क्या बात करते हो, महाराणा प्रताप के घोड़ा तक को हम लोग याद करते हैं। क्यों? उस घोड़े ने वो किया जो कोई इंसान नहीं कर सकता है। आप तो कहते हो हम युवा हैं, हमारा चबूतरा देखिए। क्या देखें? देखने लायक कुछ किए? फॉर्म भर रहे हैं अभी। करने वाले को लोग याद करता है। ये बार बार समय आएगा क्या? नहीं, बार बार तो नहीं आता है, समय आता जरूर है। किसी को पता चलता है, कोई कहता है चल ना, रोजे सुनाइया इसने, किसी को पता नहीं चलता है। जिसको पता चल जाता है वो आगे पीछे नहीं सोचता है, वो उसमें लग जाता है, इतिहास में अमर हो जाता है। रामायण काल में पुल बन रहा था, हम जानवर की बात कर रहे हैं, आप तो इंसान दिखने से लग रहे हो, चेहरा मोड़ा आपका आदमी वाला है, अब भीतर क्या है वो आप जानो, वो आपका मटेरियल है। इस देश में रामायण काल में पुल बन रहा था, गांधी सेतु से बड़की पुल हले, पिलर लेस पुल, ऐसा पुल बनाओ जिसमें पिलर की आवश्यकता ना हो। इंजीनियरिंग का आज मुझे बड़ा, एक बड़े बड़े इंजीनियर इस पूरी दुनिया में बैठे हैं, कोई आके बताए कि मैं पिलर लेस पुल बना दूंगा, बना के दिखाए थोड़ा, देखें तो हर विज्ञान कितना खेल खेलता है। और उस पिलर लेस पुल का निर्माण शुरू हुआ, किसने किया? और उस पिलर लेस पुल में बड़े बड़े योद्धा लगे हुए थे, उस समय के IIT के प्रोफेसर नल और नील लगे हुए थे, दो प्रोफेसर नल और नील IIT वो भी लगे हुए थे, सब बड़े बड़े योद्धा लगे हुए थे। उसी में एक छोटा सा जंतु गिलहरी लौज में से निकल रहा था बेचारा, लौज से निकला। हम भी पुस्तक पढ़ा सकते हैं, बड़े बड़े इंजीनियरों ने कहा तुम पागल है, तेरा औकात क्या है, अभी तू अपना कोचिंग कर, काहे फंसता है इस सब फेरा में, ये फेरा के लिए मनीषे भैया को रहने दो। गिलहरी ने क्या सोचा पता नहीं, गिलहरी ने कहा इस आदमी की बात मैं नहीं मानूंगा, और उसने स्वीकार कर लिया। गिलहरी क्या करने लगी, उस समुद्र में गिलहरी के 13,000 पुश्त भी अगर लग जाता तो उससे क्या होने को था, लेकिन गिलहरी की श्रद्धा देखिए, विश्वास देखिए, वो
समुद्र में जाती थी अपना शरीर भिंगा के और फिर बालू में लिपट के फिर उसमें जाती थी कि साहब हम अपना बालू से समुद्र में भरेंगे। और उस गिलहरी का आज इतिहास में नाम अमर हो गया। समय है, कल की घटना फिर दोबारा मुख्यमंत्री जी एक बार फिर कहिए ना, वो उसको फोटो ले लेता, नहीं आएगा, गया मामला, गेलो, नहीं आएगा। आने वाले समय में अगर आप रैली निकालोगे, नशा का जो हुआ शिकार लोग हंसेगा, कै बोलते हो रे, नशा आज खत्म हो ले यहाँ बोरो बाग का, अंग्रेज के भागने के बाद अंग्रेज भागो, अंग्रेज भागो, काय कहता है? हमरा तो अभी पते चला था, हमरा लौज में युवा प्रकोष्ठ वाला गया था, ता का कर रहा था तू? हम तो जींस पहनने में देरी हो गया, तब तक उछल गया, पहनो जींस भाई। नौजवानों बदलो, अपने रीत नीत ठीक कर लो। 2016 समाप्त हो गया, 17, 18, 19, 20 आप नोट करके अपने डायरी में घर में रख लीजिएगा। जो बात हम आगे कहते हैं सरकार हमारे पीछे कहती है। 4 साल के बाद आपको कोई गायत्री मंत्र बताने वाला नहीं मिलेगा। आप किसी से अगर पूछने गए कि हम भी गायत्री मंत्र ध्यान कर, हंसेगा, तुम नहीं करता है रे, अरे कहाँ था, लोग हंसेगा, कहाँ था रे, हमारा दोस्तवा वीडियो देखा देखा के खत्म कर दिले, कहले देख वीडियो, देख वीडियो, हंसेंगे लोग, ये देखो भकुआ, ये कहता है हम नहीं ध्यान करते हैं, तू जीवित कैसे है रे, माथा पर इतना बोझ लेके कैसे जिंदा है? पैसे से मनुष्य का आंतरिक सुख नहीं मिल सकता। अगर पैसा से सुख मिलता तो आज जितने पैसे वाले हैं वो सबसे सुखी होते। आप चलो, जितने पैसे वाले आपको लगते हैं बड़ा पैसा है इसके पास, ये कोचिंग वाला, आहा ओ मजा मार ले हो रे, 3 गो बिल्डिंग बना ले लो सरवारी, उस कोचिंग वाले के, माफ करना हमारे लोग साधक होते हैं, बाहर की बात मैं करता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आप तो बाद में पटना में आए होंगे, हमारे बाद पटना के कोचिंग वाले लोग आए हैं, हमारे टाइम में तो एकाध कोचिंग पटना कॉलेज के सामने में 91 की बात मैं कह रहा हूं हुआ करता था, आज तो सब लोग आ गए। ये जितने कोचिंग संचालक हैं हमारे जूनियर हैं, हमारे बाद पटना में अपना स्टैंड खड़ा किए हैं, आप पता लगा लीजिएगा। कोचिंग वालों के भीतर जाइए, पता चलेगा पत्नी नाराज है, टेंशन है, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, काहे सर इतना पैसा है आपको, 6-6 नाल राइफल रखे हुए हैं, किधर छोड़ दीजिएगा पता नहीं। ये लोग शिक्षाविद हैं, इस राष्ट्र को शिक्षित करने में लगे हुए लोग हैं, माफ करना मैं किसी की शिकायत नहीं। एगो कोचिंग वाला के यहां तो हम गए तो 6 गो कुत्ता रखे हुए थे, बाप रे बाप, शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, गुरु हैं ये गुरु, ऐसे गुरुओं से इस देश को मुक्ति दिलाना पड़ेगा। ये गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल हैं, ये गुरु घंटाल है रे भाई, अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, हमें अच्छा बनना पड़ेगा। परिवर्तन किसी के चाहने से न तो रुकने वाला है न हटने वाला है, परिवर्तन तो हो रहा है, हो के रहेगा, कोई चाहे या ना चाहे, किसी की हिमाकत नहीं है। हम रोक देबो, रोक ना तुम्हें रोक दे, में बर्फबारी हो रहा है रोक दे, तो चलता लगा दे कंप्यूटर के या विज्ञान के, जरे रोक दे, रोक रोक रोक, रोकेगा, प्रकृति के सामने कुछ नहीं चलता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस समय को समझिए। अगर बार बार आपको कोई चीज रिपीट किया जा रहा है, बार बार आपको कुछ कहा जा रहा है,
भगवान ने किसी को खड़ा कर दिया कि बेटा तू हल्ला करते रहना, जागते रहो। कौन हल्ला करता है रात में गांव में? चौकीदार। जो जागते रहो, जो सुतना होता है वो कहता है बड़ी डिस्टर्ब करता है, बारहे एक बजे हल्ला करे लगा हो रे। लेकिन जो सचेत होता है वो कहता है जग जोड़े चोरू राज तो जगता है, जागते रहो। हमारी ड्यूटी क्या है, युवा प्रकोष्ठ की ड्यूटी क्या है? जागते रहो। तुम जगोगे कि नहीं जगोगे ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये तो परमात्मा जाने। मैं तो सिर्फ कर्म में विश्वास करता हूं। जैसे किसान खेत में बीज बो देता है, किसान की बीज निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये किसान क्या जाने, वो तो बो दिया, उसको विश्वास है कि बीज बोए हैं तो बीज निकलेगा ही, फसल होगा ही होगा। अच्छाई जब बोया जा रहा है, आपको चेतावनी दिया जा रहा है भैया बन जाओ, आप कह रहे हो हाँ बनेंगे लेकिन ढुकेंगे तब रेलवे में, वो भी ढुक जाना, उसको कौन रोक रहा है? बार बार नहीं कहा जाएगा कि आप बदलो, आपकी मजबूरी होने जा रही है आने वाले 4 वर्ष, नोट कर लीजिएगा, अपने कमरा में चिपका लीजिएगा जो मनीष भैया बोले थे, 4 वर्ष के बाद मारे मारे फिरेंगे कि कोई बतावे हमरा, रे भाई हम भी नहीं हो सकता है भेंट हो सकता है, आजे मुश्किल है हमसे मिलना, कभी कभी मिल भेंट हो जाता है। निशांत रंजन, कोई हमारे सीनियर भाई हो सकता है नहीं मिले आपको, इतनी भीड़ आ रही है, इनका ऑपरेशन करना है, सर्जरी करना है, बीमार बीमार आदमी सब आ रहा है भैया। वो जो आप बोले थे ना खत्म है सपूर काहिल, वो सब ठीक है, वो दोस्तबा कहा हमारे दोस्तबा के मर न 10 घंटा, ये सिखाते हैं कि दोस्तबा को मारो तो 2-4 थोपी लगा सकते हो, तुमको गलत चीज सिखा रहा है। इसलिए समय बार बार समय नहीं आता। रामकृष्ण परमहंस ने बहुतों को बुलाया, आओ भाई, कुछ ने कहा ये ढीला है, देखते नहीं हो कपड़ों पहने के लूर ढंग नहीं है, एगो उज्जर ऐसे लपेटे दाढ़ी बढ़ाए बुड़बक टाइप से नहीं लगता है देखे में, सही बात है भाई। उसमें कुछ ऐसे लोग भी आए कहे नहीं बुड़बक नहीं है ये, चेतावनी दे रहा है। विवेकानंद आए, उनके मन में भी हेलो, उनके मन में भी शंका रहता था कि इस सही में इनके भीतर ताकत है कि नहीं है, ये डाउट उनके भीतर भी रहता था। इसको ठीक करो, हेलो, और उनके मन में शंका हमेशा रहता था कि रामकृष्ण परमहंस, लेकिन जो गुरु पर शंका करता है समय पर शंका करता है वो खाली रह जाता है। विवेकानंद पूर्ण विश्वास करके रामकृष्ण परमहंस की बात को स्वीकार किया। उस जमाने में कितने लोग बीए पास हुए होंगे, किनका किनका नाम आप जानते हो? एकादगो को बताइए भैया, आप लोग का जीके बहुत सुनते हैं, बिहार में जीके बहुत आप लोग के पास, सब बुद्धि जीके जीएस में आप लोग लगाते हैं, बताइए विवेकानंद के जमाने में कौन कौन लोग बीए पास किए थे, 2-4 लोगों का नाम बता दीजिए आप, सबको मैं कह रहा हूं, बताओ भाई। नहीं जानते काहे नहीं जानते हैं? कुछ नहीं किया ससुराल, जन्मा ब्याह किया होगा 2-3-4 जमाने के अनुसार, गेलो अपन धीरे से निकल गेल तू बाबा हो क्यों जाने? आप युवा हमेशा ये सोचते हो कि हम छोकरा बने रहेंगे ना, धीरे धीरे चर्बी ढीला होगा। एक तो आजकल पहले के लोग को 35 के बाद ढीला होता था,
आज तो 21-22 जाते जाते लगता है चेहरा झुलस गया, क्योंकि माल मटेरियल बसता नहीं है, झुलसल चेहरा है। कल मैं गांधी मैदान गया, मुख्यमंत्री जी कल गांधी मैदान में थे, सबको एंट्री नहीं था कल गांधी मैदान में, मंत्री लोगों का भी एंट्री नहीं था कल गांधी मैदान में, डीजीपी और जितने पुलिस के बड़े बड़े पदाधिकारी थे। जैसे ही हम लोग पहुंचे, पटना के डीएम संजय अग्रवाल जी हाथ जोड़ के, आइए आप लोगों का स्वागत है, और फिर कहे कि एक फोटो ले लो इन लोगों के साथ। एसडीओ साहब बेचारे, चूंकि मुख्यमंत्री के साथ दो बार यहाँ आए थे, एसडीओ साहब पूरा आगे पीछे कर रहे थे, सोफा पर बैठाए हम लोगों को, हम थे प्रभारी जी थे, 5-6 लोग थे। आज पेपर ने छापा भी है, सारे पेपर ने छापा है, भास्कर ने तो बड़ा छापा है, जागरण ने भी न्यूज़ दिया है, सब था, प्रभात खबर ने दिया है, बड़ा बड़ा फोटो सब छाप दिया है। तो चलिए, विशेषता है, भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, भगवान इसी तरह करते रहे। लेकिन राजतंत्र सब काम नहीं कर सकता, राजतंत्र सब काम नहीं कर सकता, इसलिए अध्यात्म की आवश्यकता है। धर्म तंत्र के द्वारा मनुष्य का परिवर्तन होना है। परिवर्तन करने के लिए आपको नारद बनना पड़ेगा। नारद, नारद का मतलब लोग ये लगा, नारद मुनि का नाम जानते हैं अपने यहाँ, लेकिन मामला नारद मुनि का थोड़ा गड़बड़ है। लोग कहता है कि नारद मुनि लड़ाई लगवाते हैं, लेकिन अच्छाई के लिए अगर लड़ाई भी लड़वाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नारद मुनि एक ऐसे मुनि थे जो बुरे को अच्छा बनाते थे। किसको बनाए? रत्नाकर डाकू था, हॉस्टल में रहता था, बड़की हलो, नारद बन के युवा प्रकोष्ठ का लड़का गया उसके पास, पढ़े ही तू? अब उसी से लड़के से क्वेश्चन करता है लौज वाला, तू पढ़े ही? उम्र बीत जातो गायत्री कुछ न देतो। लेकिन नारद भी हिम्मत हारने वाला ऋषि नहीं थे। रत्नाकर कहे तुमको क्या मिलेगा तुम न पहले बताओ, हमको तो नहीं मिलेगा मान लिए, तू बता। कहा हमरा तो सब हमरा साथी है, हमर पत्नी हमर बेटा। कहा कि पूछ के आइए। कहे कि भाग जाओगे तब तो, बांध दिए नारद को, रत्नाकर बांध दिए। उधर गए, पत्नी से पूछे, बेटा से पूछे, तो कहा कि नहीं, हम कहे आपका गलत चीज में साथ देंगे, आपका कर्तव्य बनता है खिलाना पिलाना। और वहाँ नारद ऋषि के कहने से विचार परिवर्तन, विचार क्रांति क्या हुआ? रत्नाकर क्या हो गए? ऋषि हो गए, वाल्मीकि और रामायण लिख दिया। इसलिए समझिए, ये आपको जागते रहो कहा जा रहा है, जगो। और ये जागरण का समय है, जो सोएगा वो पश्चाताप कराएगा, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आप लोग जग जाओ, आप जागृत हो जाओ। जो जगेगा वो फायदे में रहेगा, लाभ में रहेगा। अभी भगवान आपको कह रहा है कि आ जाओ। भगवान हमेशा लोगों को नहीं बुलाते हैं, भगवान से तो आपको हमको हरदम में काम रहता है, तो हरदम कुछ ना कुछ घटल रहता है, कुछ समस्या रहता है, रिजल्ट का मामला रहता है, तो हम लोग तो जाते आते रहते हैं, कोई ना कोई भगवान तो फंसबे करेंगे, नहीं कैसे फंसिएगा। हम बिहारी हैं, या तो हनुमान जी नहीं फंसे तो साईं बाबा कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं। बैठ जाए जींस वाला, बैठ 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 जाओ। हम बिहारी तो भगवान अभी न्योता, गुरुदेव ने लिखा कि बेटा भगवान बुला रहा है अभी आपको कि आप आ जाओ, हमारा काम करो। क्या काम है? तुम भी अच्छा बनो और दूसरों को अच्छा बनाओ, आपको घाटा नहीं होगा, आपको घाटा। आप नहीं करोगे तब तो उनका काम नहीं होगा। ए बैठ, अरे ए, जो बीच में उठता अगर टांग पकड़े घिस तो लफुआ सब कहां। जिंदगी में कहीं नौकरी नहीं मिलतो, माफ करिए, या ऐसे लोग उचक्का होते हैं, या तो साइड में बैठा उसको यार, ऐसे लोगों को
मैं ये बात कह रहा था कि ये बार बार आपको जगाया जा रहा है। उन्होंने कहा आप न्योता दे दो, हमने न्योता दे दिया कि आप जग जाओ। ये परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन का इतिहास बनता है। बाद में लोग उस इतिहास को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। ऐसा समय आया है भगवान का काम। आप नहीं करिएगा तो भी होगा, आप नहीं चाहिएगा तो भी होगा। लोग नशा नहीं पीजिए, नहीं पीजिए, नहीं पीजिए, ऐसा पीजिए, आप पीजिए ना, नहीं पकड़ा जे बोरे ले पी में बढ़िया वाला है रे, इंग्लिशवा है रे, इंग्लिशवा जाइए ना गांव में। नहीं नहीं बाप रे बाप, कोई फोन कर देते थाना कर पकड़ लेते, 10 साल रे, 10 साल जेल में ठाने। क्या हुआ, वो तो करिए रहा है। अर्जुन मैदान में खड़ा था, गीता जो आज पूरे दुनिया में धर्म युद्ध चल रहा है, मैदान में खड़ा है, कह रहा है साहब ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे बाबा। कृष्ण कहे धर्म युद्ध में ना तो कोई बाबा ना कोई पोता,